गोकुलदास महाविद्यालय की पर्यावरण संरक्षण समिति, जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम समिति एवं साहित्यिक समिति के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य, मुख्य अतिथि प्रिया अग्रवाल, प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा, उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास एवं मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। सम्मानित अतिथियों का स्वागत प्राचार्य द्वारा पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया गया। इसके बाद छात्राओं द्वारा महाविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवीण सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर संगीत विभाग के पुस्तक हिंदुस्तानी ताल पद्धति और कर्नाटक ताल पद्धति में सामंजस्य का विमोचन सम्मानित अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया। संक्षेप में डॉक्टर प्रवीण सैनी ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मैंने संगीत की एक पुस्तक हिंदुस्तानी ताल पद्धति और कर्नाटक ताल पद्धति का विमोचन हुआ था, जो मेरे संगीत के तबले के छात्रों के लिए स्पेशली वो ताल पुस्तक है। वोकल वालों के लिए ये पुस्तक कम यूज़ में है, क्योंकि इसमें हमने ताल पद्धतियों का ज़्यादा यूज़ किया है। स्वर पद्धतियों के लिए और सारी बहुत सारी बुक्स होती थी, पुस्तक होती थी, बट ताल पद्धतियों के लिए हमें कोई पुस्तक नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैंने कोशिश करी कि मैं अपने तबले के छात्रों को लाभान्वित करूँ। इस पुस्तक के ज़रिए MA के बच्चे छात्र और BA के छात्र काफी अपनी सिलेबस की जानकारी इसमें से ले सकते हैं, तो इसी पुस्तक का आज यहाँ पर विमोचन हुआ था। तत्पश्चात संगीत विभाग की ओर से डॉक्टर नमिता द्वारा एक मनमोहक भजन प्रस्तुत किया गया। सम्मानित अतिथि जयपाल सिंह व्यस्त ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। उन्होंने संगीत को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए संगीत के विविध रागों पर गहराई से प्रकाश डाला एवं साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ऐसा नहीं कि जिगरबंद की प्रस्तुति के बाद में हमारा आए, मैंने एक रेफरेंस दिया है, तो उन्होंने अपनी प्रस्तुति शहनाई वादन की दी और शहनाई वादन की प्रस्तुति के बाद करनी बहुत थी। जून में क्या करनी होगी आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तब इस बहुत लग रहे हैं, तब इस हो रहे हैं, जी चाह रहा है कि कजरी सुना। उन्होंने कजरी शुरू की, 15 मिनट कजरी बजाने के बाद जहां आसमान में बादल नामो निशान नहीं था, बादलों का बादल आने शुरू किए। 20 मिनट हुई, 25 मिनट हुई और घने बादल आ गए और 30 मिनट के बाद हल्की की बाढ़ आनी शुरू हुई और 40वें मिनट में जो घनघोर वर्षा शुरू हुई है वो कार्यक्रम को वही विराम देना पड़ा। ये है हमारी आंखों देखी घटना। तालियां बजा दो। हमें काफी सर्विस में कितनी बड़ी ताकत है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस के लिए भी, म्यूजिक की छात्राओं के लिए UG और PG के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर दोनों पद्धति में अंतर क्या है, तार पद्धति में अंतर क्या है, गायकी में अंतर क्या है, आपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, आपने लिखी है। मुझे लगता है कि आपका शोध भी इसी से मिलता जुलता रहा होगा, तो उसके भी रेफरेंसेज आपने लिए हैं। तो ये अद्वितीय कार्य है, ये अविस्मरणीय कार्य है, यह प्रशस्ति योग्य सराहनीय आपका कार्य है। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस विषय में भी, लेखन के विषय में भी और प्रैक्टिकल में भी आप इसी रूप में आगे बढ़ती रहे। इसी श्रृंखला में सम्मानित अतिथि प्रिया अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में सभी छात्राओं को प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने को कहा एवं उनको शुभकामनाएं दी। आज जिसकी हम पुस्तक के विमोचन में आए हैं, ऐसी प्रदीप सैनी जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूं। उन्होंने मुझे इस किताब के बारे में बताया, उन्होंने एक किताब लिखी, MA तो पते ही पढ़ रही थी, विस्तार से मुझे इसकी स्टडी करके मैं जानूंगी कि क्या है, पर जितना उन्होंने लेख लिखा और जितना अभी यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया, तो मुझे लगता है कि वो एक बेटियों के लिए नया आयाम था।
प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सक्रियता शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से जानी जाती है। उन्होंने संगीत के महत्व को बताते हुए कहा कि संगीत तनाव दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न समितियों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में विजयी छात्राओं को सम्मानित अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण समिति के अंतर्गत आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं नारा लेखन प्रतियोगिता में कुल 14 छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम समिति के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण विषय पर आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता एवं कोलाज प्रतियोगिता में कुल 13 छात्राएं सम्मानित की गयी। अंत में साहित्यिक समिति के अंतर्गत एकता दिवस पर आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता में विजयी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया एवं दीवार पत्रिका के संपादक मंडल को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन पर्यावरण संरक्षण समिति के संयोजिका डॉक्टर अंशु सरीन एवं जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम समिति की संयोजिका डॉक्टर किरण त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि सीमा शर्मा, प्राचार्य प्रताप सिंह इंटर कॉलेज उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सभी प्रवक्ताएं उपस्थित रहीं एवं उनका सक्रिय सहयोग रहा।